नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत सारे लोग कमेंट करके यह पूछे जा रहे थे कि इस बार एसएससी के एमटीएस एग्जामिनेशन में कितने टोटल पोस्ट जो है दिए गए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट बार बार कमेंट करके लिखते रहे हैं कि एसएससी के एमटीएस एग्जामिनेशन 2019 में एग्जामिनेशन में टोटल जो है कितने नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या दी गई, यानी कि टोटल कितने पद दिए गए। तो यदि आप नहीं जानते हैं तो यह वीडियो अभी से अभी तुरंत इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। और इसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन लोगों के मन पर यह भी है कि आखिर टोटल कितने लोग, कितने कैंडिडेट इस फॉर्म को अभी तक जो है भर चुके हैं। आखिर टोटल कितने कैंडिडेट हैं, कितने लोग हैं जो कि भर चुके हैं फॉर्म। और तीसरा क्वेश्चन यह है कि एक सीट पर, ठीक है, एक सीट पर कितने लोग फाइट करने वाले, मतलब एक कैंडिडेट जो है कितने लोग फाइट करेंगे, इसके विषय में हम टोटल जानकारी यहाँ पर आप सभी के पास देने वाले। यदि इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिल में, आपके मन में अगर उठ रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर देखें। और यदि आपको हमारा वीडियो, हमारा मेहनत पसंद लगे तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें ताकि उसके पास भी इसका इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए और वे सभी भी हमारे इस चैनल को आए और वे सभी भी इस वीडियो को देखें। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, टॉपिक्स चलते हैं और बताते हैं कि आज का जो टॉपिक्स है कितने खास और कितने इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि यह जो है अमर उजाला के तरफ से यह न्यूज़ जो है निकल के आ रहे हैं, आइए इस न्यूज़ के माध्यम से हम लोग वन बाय वन करके समझते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडलाइंस में बता दें कि एसएससी एमटीएस के जो परीक्षा हो रहे हैं टोटल 10,000 पोस्ट है, ठीक है कैंडिडेट। यहाँ जो नंबर ऑफ जो पोस्ट की संख्या जो दिए गए हैं कैंडिडेट, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 10,000 सीट। यहाँ पर टोटल 10,000 पोस्ट आपको दिए गए हैं, पदों की संख्या जो है टोटल 10,000 पोस्ट दिए गए। और इस पोस्ट के लिए जो है कितने कैंडिडेट अप्लाई किए, आइए उसी के विषय में अप्लाई जानते हैं। इस बार जो है टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट जो अप्लाई किए हैं, टोटल यहाँ पर हम आप सभी के बता दें कि टोटल जो यहाँ पर लोग जो अप्लाई किए हैं इस फॉर्म को टोटल कैंडिडेट अप्लाई किए हैं 39 कैंडिडेट। यहाँ पर जो 39 लाख कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को भर चुके हैं। यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं 39 लाख से भी अधिक अधिक इस कैंडिडेट को जो है फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं। तो आइए पूरी खबर के बारे में समझते हैं और अंतिम में कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे कि आखिर पर सीट पर इस बार जबरदस्त फाइटिंग होने वाले, बहुत ही भयानक फाइटिंग करने वाले पर सीट पर। तो वीडियो के साथ बने रहें और आपको हम दिखाएंगे कि पर सीट पर आखिर कितने लोग फाइट करने वाले हैं। वीडियो दिल थाम के बैठे रहें दोस्तों, आप ही के लिए इस वीडियो को जो है बनाए हैं और आप सभी के डिमांड के तहत पर बनाए गए हैं। तो आइए वन बाय वन करके समझते हैं और देखने का कोशिश करते हैं। लिखे गए कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की ओर से केंद्र सरकार के कार्यालय में मल्टीटास्किंग यानी चतुर्थ श्रेणी के लिए दावेदारी करने वालों के में संख्या जो है बढ़ी है। बीटेक हो, एमबीए हो, एमसीए हो, डिग्री वाले भी प्रोफेशनल शामिल होंगे, यानी कि अब जो एमबीए भी फाइटिंग करने वाले, एमसीए वाले भी, बीटेक वाले भी। इसलिए ध्यान से सुने कि जो लोग 10th पास किए हैं, जो लोग सिर्फ और 10th पास किए हैं और एक आप बीटेक से फाइट करने वाले, ठीक है, एक 10th पास कैंडिडेट वाले बीटेक से फाइट करने वाले, एमबीए से फाइट करने वाले, एमसीए वाले भी कैंडिडेट से आप फाइट करने वाले, यानी कि इस बार फाइटिंग जो है बहुत भयानक एंड बहुत ही ज़बरदस्त फाइटिंग होने वाले है पर सीट पर। एक है लोअर्स, एक कहते हैं ना कि एक छोटा बच्चा है, उस छोटा बच्चा को बहुत सारा बॉडी बिल्डर बच्चे के साथ लड़ाई किए जा रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त फाइटिंग होंगे। अब इसमें यह देखने होंगे कि आखिर जीतेगा कौन, वो छोटा बच्चा या वो जो बड़ा जो बॉडी बिल्डर है वो बच्चा, कौन से बच्चे जो है जीतेंगे, कौन से कैंडिडेट जीतेंगे, इसी के विषय में यहाँ पर पूरे का पूरा फाइटिंग हम यहाँ पर करके दिखाने वाले हैं। पूरे के पूरे वीडियो को जरूर देखते रहें। इसके साथ यह भी लिखे कि लाखों खर्च कर प्रोफेशनल डिग्री लेने वाले युवा अब सरकारी नौकरी पे ग्रेड, यानी कि जैसे कि आप सभी को मालूम है, आप सभी को पता है कि जो कैंडिडेट एमसीए करते हैं, बीसीए करते हैं, बीबीए करते हैं, वे सारे कैंडिडेट जो है 5 लाख 10 लाख रुपया खर्च करते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। और वे सारे भी अभी एमटीएस के पीछे, यानी कि वे सारे लोग भी एक सरकारी नौकरी के पीछे भर रहे हैं, सरकारी नीचे के नौकरी के पीछे दौड़ रहे। आप हमें यह कमेंट लिखकर बताएं कि
आखिर 10th पास वाले को ही यह फॉर्म को भरने देना चाहिए या MCA BCA वाले को भी इसमें परमिट देना चाहिए, या आने वाले दिन में जब SSC इस प्रकार से फॉर्म निकले तो उसमें कंडीशन डाल दें कि जो प्रोफेशनल है वे सारे इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर विचार करके बताएं। इसके साथ साथ यह भी लिखे कि पे ग्रेड 5200 से लेकर 20,200 ग्रेड पे 1800 पर काम करने के लिए कतार में है, यानी बहुत सारे MBA BBA करके जो है लगे हुए हैं कतार पर। MTS के पदों पर नौकरी की शुरुआत में लगभग 18,000 रुपये का वेतन मिलेगा। इससे 18,000 यानी कि कैंडिडेट यहाँ पर कहे जा रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो सैलरी आपका रहने वाले हैं टोटल 18,000 रुपया का सैलरी इसमें जो है SSC आपको पेमेंट करेगी। नौकरी, सरकारी नौकरी का क्रेज युवाओं में साफ दिखाई दे रहा है। आयोग की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए लगभग 10,000 पदों की घोषणा की गई है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 अप्रैल से होकर 29 मई को पूरी हुई है। आप सभी को पता है कि इसकी अंतिम तिथि जो है 22 अप्रैल को दी गई थी और 29 मई को जो है लास्ट दी गई थी, और आप सभी ने इसका भी फॉर्म को भर चुके होंगे। आयोग ने पहली बार MTS के पदों पर भरने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWUS के लिए लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की है। आवेदन के लिए आयु सीमा 18 से 25 साल के बीच भी बीच होने के चलते हाल ही में 10वीं पास करने वाले वाले बड़ी संख्या में छात्रों इसी वर्ष जो है बीटेक भी, यानी कि जैसे कि 18 से 25 साल और बीटेक और 10th पास वाले भी इस कैंडिडेट को जो भर सकते हैं, और इसकी आयु सीमा जो है 25 साल तक यहाँ पर रखे गए हैं। और इसी वर्ष जो भी कैंडिडेट बीटेक किए हैं, एमटेक किए हैं या एमबीए किए हैं, वे सारे भी भारी से भारी संख्या में इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर चुके हैं कैंडिडेट। बहुत ही ज़बरदस्त फाइटिंग होने वाले, एक छोटे बच्चों को एक बड़े बच्चे के साथ यहाँ पर फाइटिंग होने वाले। इस बार अगर कहे जाए तो पिछले साल से 5 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट इस बार SSC के MTS एग्जामिनेशन को फॉर्म को भरें। MTS भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के साथ यूपी बोर्ड, CBSE एवं देश भर के अन्य बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जारी हो जाने से भारी संख्या में छात्रों ने आवेदन किया। देश भर में 39 लाख से अधिक आवेदन किए गए, जो पिछले वर्ष से 5 लाख अधिक है। तो यहाँ पर आप सभी देखें कि MBA के साथ भी आपका फाइटिंग होने वाले। अब इन सारे को देखने के बाद हम एक छोटी सी कंक्लूजन यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। कंक्लूजन में क्या कंक्लूजन निकलते हैं, आइए यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके द्वारा जो पूछे गए थे उनका आंसर हम यहाँ पर आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले करेंगे रिक्वेस्ट कि सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वे सारे भी इसका इन्फॉर्मेशन समझ जाए और वे सारे भी जान जाए कि इस बार कितने ज़बरदस्त फाइटिंग होने वाले पर सीट पर, यानी कि आपको तैयारी भी ज़बरदस्त करने पड़ेंगे, तब जाकर आप SSC के MTS फर्स्ट अटेम्प्ट पर ही आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि SSC MTS 2019 के एग्जामिनेशन में टोटल कितने पोस्ट हैं, तो टोटल जो 10,000 पोस्ट आपको रखे गए हैं कैंडिडेट, यानी कि पर कैंडिडेट यहाँ पर जो 10,000 पोस्ट आपको रखे गए हैं। यह जो पहला क्वेश्चन हमारा था जिसका आंसर आप सभी को मिल चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर जो थे, टोटल कितने लोग, कितने कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई किए थे, टोटल कितने लोग, कितने कैंडिडेट इस फॉर्म को भर चुके हैं। तो यहाँ पर देखे जा रहे हैं 39 लाख से भी ज़्यादा ज़्यादा प्लस इस कैंडिडेट को जो है अप्लाई किए हैं, यानी पिछले साल से 5 लाख ज़्यादा कैंडिडेट इस फॉर्म को जो है यहाँ पर अप्लाई किए हैं, यानी 39 लाख कैंडिडेट यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पर फाइटिंग के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक सीट पर जो है कितने लोग फाइट करने वाले, तो एक सीट पर 39 से 40 यानी कि 39 से 40 कैंडिडेट के आसपास पर सीट पर फाइटिंग करने वाले, यानी एक सीट पर, यानी अगर SSC के अगर एक सीट अगर किसी का पोस्ट जाएंगे तो उसके लिए 39 कैंडिडेट को लड़ना पड़ेंगे। इस 39 कैंडिडेट में सिर्फ और सिर्फ एक कैंडिडेट ही पास होंगे और 38 जो कैंडिडेट ऐसे होंगे जो फेल हो जाएंगे। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी सीरियस हो जाएं
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी ऑनलाइन क्लासेस आते हैं पूरा का पूरा देखें। ऑनलाइन क्लासेस में एक दो स्टूडेंट आते हैं, पूरा वीडियो भी नहीं देखते, भाग जाते हैं तुरंत में। ऐसे आप 39 कैंडिडेट को आप कैसे छांट सकते हैं? आप खुद सोचिए कि 39 कैंडिडेट को आपको हटाने होंगे, 39 को कैंडिडेट को यहाँ से आपको हटाने होंगे, और उसमें से आपको एक सीट आपको मिलेंगे। तो 30-40 कैंडिडेट के साथ आप लड़ेंगे तब जाकर यहाँ पर आपको होने वाले, क्योंकि इस बार का जो फाइटिंग जो है ज़बरदस्त फाइटिंग होने वाले, क्योंकि आप एक छोटे से पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है 10th पास है आप सभी। आपका क्वालिफिकेशन, अंतिम क्वालिफिकेशन क्या है कैंडिडेट, कमेंट बॉक्स पर जरूर से जरूर बताएं। आप सिर्फ 10th पास है और 10th पास के साथ आप लड़ रहे हैं, MBA के साथ आप लड़ने जा रहे हैं, BBA के साथ लड़ने जा रहे हैं, MCA के साथ लड़ने के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे BA ग्रेजुएशन, बहुत सारे कैंडिडेट फाइटिंग करने वाले हैं। यानी कि वही बात हो जाए, एक जो है यहाँ पर आपका एक छोटा बच्चा है जिसके साथ एक बड़े बच्चों को फाइटिंग पर, एक मोटा तगड़ा बच्चे को फाइटिंग करने के लिए भेज दिया गया है। तो आप यहाँ पर सोचे कि यह जो बच्चा है यह हारेगा कि जीतेगा, यह एक बड़ा बच्चा है जो कि बड़ा बच्चा के साथ एक छोटा बच्चा को यहाँ पर फाइटिंग करने के लिए दिया जा रहा है। अब खुद सोचे कि अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो क्या 39 सीट में आपका एक सीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते अब भी कभी कमेंट लिखे कि यह एक सीट मेरा है, अभी का भी तुरंत लिखे यह एक सीट मेरा है, 39 सीट में से एक सीट मेरा है और यह हम लेके ही रहेंगे। जो ऐसा बात लिखते हैं यानी कि वे सभी एक सीट के लिए जरूर वे सभी अप्लाई हो जाएंगे, वे सभी का जॉब जरूर हो जाए। अभी का भी तुरंत लिखे यह सीट, यह एक सीट मेरा है, यह सीट एक मेरा है, 39 कैंडिडेट में से एक सीट मेरा है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, जल्दी से नीचे कमेंट लिखें। तो यह थे आप सभी के सवाल का जवाब। यह वीडियो कैसे लगे दोस्तों, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट लिखकर जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं कोई एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।